अगर आपने भी फाइबर इंटरनेट इंस्टॉल कराने का मन बना लिया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कौन सा इंटरनेट आपको लगवाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है और एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी है। तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस की बात करें तो प्राइस में ही ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे BSNL का इंस्टॉलेशन कॉस्ट 4-5,000 मिनिमम और मैक्सिमम 10-12,000 रुपए हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एयरटेल एक्सट्रीम की बात करूँ तो उसका प्राइस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ओनली 1500 रुपीज है गाइज। एंड इसके साथ भी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड सपोर्ट मिलता है, 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट नहीं मिलता। सो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे राउटर का आपको प्राइस लगेगा जो कि रिफंडेबल भी नहीं है। अगर आप कनेक्शन को डिसकनेक्ट कराते इसके बावजूद आपको कोई रिफंड नहीं मिलता। एयरटेल में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड का सपोर्ट मिलता है। लेकिन गाइज, अगर हम बात करें BSNL की सर्विस की तो वाइड रेंज में आपको BSNL की सर्विस मिलती है। गांव में भी आपको इसकी सर्विस देखने को मिल जाती है, रूरल एरियाज में। लेकिन वहीं एयरटेल की सर्विस आपको सिटी एरियाज में देखने को मिलती है। गाँव में काफ़ी दूर डिस्टेंट जो गांव है वहां पे इसकी सर्विस आपको देखने को नहीं मिलती। तो इस मामले में BSNL काफ़ी आगे है, क्योंकि इसने वाइड रेंज बना के रखी है तो वहाँ पे भी इंटरनेट आसानी से पहुँचाया जा सकता है। हालांकि BSNL इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप इसकी सर्विस के बारे में बात करें तो आपको ठीक ठाक अच्छी स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाती है, स्पीड में कोई लैग नहीं है। बट ये बात करूँ कि इसमें इंटरप्शन थोड़े से आपको देखने को मिलते हैं। गाइस, कभी कभी इसका इंटरनेट जाता रहता है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अदरवाइज कनेक्शन बेटर है। गाइस, बात करूँ BSNL फाइबर की तो कई जगह में, गांव के इलाकों में, अगर आंधी तूफान और इस तरह की कंडीशन में अगर आपका कनेक्शन एक बार ही इंटरप्ट हो गया तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है गाइस, क्योंकि उसको वापस से इस्टेब्लिश करने में कनेक्शन को आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बात करूँ एयरटेल और जियो की तो इस तरह में एयरटेल की सर्विस में आपको डिजिटल सर्विस देखने को मिल जाती है, जिससे आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है। सो BSNL में आपको लैक ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन एयरटेल में आपको स्टेबल कनेक्शन देखने को मिलता है। बट गाइज, ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे। कुछ लोगों के पास BSNL कनेक्शन है और वहाँ पे स्टेबल कनेक्शन मिल जा रहा है। एंड गाइज, अगर आप OTT एप्स को एंजॉय करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम OTT एप्स देखने को मिलती है, लेकिन एयरटेल के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा OTT एप्स देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप BSNL में कनेक्शन लेना चाहते तो ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और साथ ही में जब आप इसे डिसकनेक्ट कराएंगे तब भी आपको ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे, साथ ही आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लेकिन एयरटेल एक्स स्ट्रीम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने फोन से ही कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, BSNL में आपको वेरिएबल इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखने को मिलता है, जबकि एयरटेल में आपको फिक्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी एरिया में इंस्टॉल करा रहे हो। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी बताऊंगा कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए बेहतर है, कौन सा फाइबर इंटरनेट आपके लिए बेहतर है। गाइज, कई केसेस में BSNL में इंस्टॉलेशन में देखा गया है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन एयरटेल में बात करें तो काफ़ी कम, कंपेरेटिवली काफ़ी कम समय लगता है इंस्टॉल करने के लिए। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो उसको छोड़ के काफ़ी कम समय लगता है एयरटेल एक्सट्रीम में। हालांकि BSNL में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है, और पहले की अपेक्षा इंटरप्शंस भी काफ़ी कम हो गए हैं। इन केस ऑफ टेक्निकल इश्यूज BSNL में हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि वहां हमें ऑफिस में विजिट करना पड़ता है, वहां पे हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, टेक्निकल प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व नहीं होती। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं कि हम विजिट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काम जल्दी से नहीं होता। लेकिन एयरटेल के साथ ऐसा नहीं, कंपेरेटिवली कम समय में काम होता है और यहाँ पे क्विक एक्शन लिया जाता है। और अगर आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो ऐसे में आपको मैसेज आ जाता है कि कब तक में वो
रिजॉल्व हो जाएगा और दिए गए टाइम के पहले भी रिजॉल्व हो जाता है आपकी प्रॉब्लम। लेकिन BSNL के साथ थोड़ा सा ये इश्यूज हैं और BSNL अभी इनमें सुधार नहीं कर पा रहा है। कई कई प्लेसेस में ऐसी प्रॉब्लम्स में भी की ना हो, लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही गाइज। BSNL के फर्स्ट बिल के साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है, लेकिन एयरटेल एक्सिस टीम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल के साथ नहीं पे करना होता है। BSNL में कई सारे प्लान है जो कि काफी कॉस्टली है और लेस स्पीड वहां पे देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे कैपिंग होती है 1000 GB की। और अगर बात करें एयरटेल एक्सिस टीम की तो 3300 GB का डाटा यहाँ पे देखने को मिलता है और कम प्लान में स्पीड भी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। एंड गाइज, अगर आप एयरटेल और जियो में कंफ्यूज हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज, इतने सारे पॉइंट को डिस्कस करने के बाद फाइनल हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आपके रीच तक एयरटेल का कनेक्शन है तो आपको डेफिनेटली एयरटेल की ओर जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके रीच में एयरटेल नहीं है तभी आप BSNL की ओर जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।